ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर मीठा वावा, भाग्य विधाता जन्म जन्म का भाग्य बनाने वाले, आज हम बच्चों को कह रहे हैं, जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। जिन्हें घड़ी घड़ी बाप की याद भूल जाती है वो हैं अनलकी बच्चे। तो आज बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, खाता जमा करने का आधार क्या है, सबसे बड़ी कमाई किस में है। बाबा कहते हैं, खाता जमा होता है दान करने से। जितना तुम दूसरों को बाप का परिचय देंगे उतना आमदनी वृद्धि को पाती जाएगी। मुरली से तुम्हारी बहुत बड़ी कमाई होती है। यह मुरली सांवरे से गोरा बनाने वाली है। मुरली हो गई खुदाई जादू है। मुरली से ही तुम मालामाल बनते हो। बाबा ने बहुत मधुर गीत यादि किए हैं, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। बाबा कहते हैं, रूहानी बाप समझा रहे हैं बच्चों को कि बच्चे गिरना और संभलना है। घड़ी घड़ी बाप को भूलते हो तो गिरते हो, याद करते हो तो संभलते हो। माया बाप की याद में रहने नहीं देती है, भुला देती है, क्योंकि नई बात है ना। ऐसे तो कोई बाप को कभी भूलते नहीं है। स्त्री कभी अपने पति को भूलती नहीं भूलती है। सगाई हुई और बुद्धियोग लटका, भूलने की बात ही नहीं होती। पति पति है, बाप बाप है। अब यह तो है निराकार बाप, जिसको साजन भी कहते हैं, सजनी भी कहा जाता है भक्तों को। इस समय सब हैं भक्त, भगवान एक है। भक्तों को सजनिया, भगवान को साजन या भक्तों को बालक, भगवान को बाप कहा जाता है। अब पतियों का पति व पिताओं का पिता वो एक है। हर एक आत्मा का बाप परमात्मा तो है ही। बाबा कहते हैं, वो लौकिक बाप हर एक का अलग अलग है। यह पारलौकिक परमपिता सभी आत्माओं का बाप एक ही गॉड फादर है। उनका नाम है शिव। सिर्फ गॉड फादर माउंट आबू लिखने से बताओ चिट्ठी पहुंचेगी? नाम तो लिखना पड़े ना। यह तो बेहद का बाप है। उनका नाम है शिव। शिव काशी कहते हैं ना, वहां शिव का मंदिर है, जरूर वहां भी गए होंगे। दिखाते हैं ना, राम यहां गया, वहां गया, गांधी यहां गया, तो बरोबर शिव बाबा का भी चित्र है। परंतु वो तो है निराकार। तो बाबा कहते हैं, तुम जानते हो बरोबर हम राज्य करते थे, हमने पुनर्जन्म लिए, 84 जन्म भोगते भोगते बादशाही गंवा दी। गोरे से काले बन गए हैं, सुंदर थे अब श्याम बन गए हैं। आजकल नारायण को भी सांवरा दिखाते हैं तो सिद्ध होता है वही श्री कृष्ण श्री नारायण था। परंतु इन बातों को बिल्कुल समझते नहीं है। बाबा कहते हैं, यादव है मूसल इन्वेंट करने वाले, कौरव पांडव भाई भाई थे, वो आसुरी भाई और यदैवी भाई, यह भी आसुरी थे। इन्हों को बाप ने ऊंच बनाकर देवी बनाया है, मतलब देवी भाई बनाया। दोनों भाइयों का क्या हुआ? बराबर पांडवों की जीत हुई, कौरव विनाश हो गए। यहां बैठे हुए भी भल मम्मा बाबा कहते हैं, परंतु जानते नहीं है, बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। जानते नहीं कि बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। तो बाबा कहते हैं,
बाबा मम्मा कहा तो ब्राह्मण कुल में आया। फिर है सारा पढ़ाई के पुरुषार्थ पर मदार। तो जितना पढ़ाई पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो बाबा कहते हैं यह किंगडम स्थापना हो रही है और इब्राहिम बौद्ध आदि कोई किंगडम स्थापना नहीं करते। क्राइस्ट अकेला आया, किसी में प्रवेश कर क्रिश्चियन धर्म स्थापना किया। फिर जो क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं ऊपर है वो आती रहती है। अभी सब क्रिश्चियन की आत्माएं यहां हैं, अभी अंत में सबको वापस जाना है। बाप सभी का गाइड बन सबको दुख से लिबरेट करते हैं। बाप ही है सारी ह्यूमैनिटी का लिबरेटर और गाइड। सब आत्माओं को वापस ले जाएंगे। आत्मा पतित होने के कारण वापस जा नहीं सकती है। निराकारी दुनिया तो पावन है ना। अब यह साकारी सृष्टि पतित है, अब इन सबको पावन कौन बनाए? जो निराकारी दुनिया में जा सके इसीलिए बुलाते हैं, ओ गॉड फादर आओ। गॉड फादर आकर बतलाते हैं कि मैं एक ही बार आता हूं। जब सारी दुनिया भ्रष्टाचारी बन जाती है, कितनी गोलियां बारूद आदि बनाते हैं एक दो को मारने के लिए। एक तो बॉम्ब्स बना रहे हैं, दूसरा फिर नेचुरल कैलमिटीज, भूकंप, बाढ़, ये सब होंगी। बिजली चमकेगी, बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि खाद तो बनती है ना, गंध की ही खाद बनती है। तो इस सारी सृष्टि को खाद चाहिए जो फिर फर्स्ट क्लास उत्पत्ति हो। सतयुग में सिर्फ भारत था। बाप समझाते हैं यह ड्रामा बना हुआ है। जैसा साहूकार मनुष्य वैसा फर्नीचर भी होगा। कहां पढ़ाई से विश्व का मालिक बनना, कहां नौकर चाकर बनना। तुम समझ सकते हो हम कहां तक पढ़ते हैं। वहां तो सिर्फ धर्म पिता आते हैं धर्म स्थापना करने, यहां मात पिता है क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। तब आगते हैं, आज दीपावली है, दीपावली पर नया खाता रखते हैं। ये दीपावली की मुरली है। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। वो ब्राह्मण लोग व्यापारियों से नया खाता रखता है, लेकिन तुमको भी अपना नया खाता रखाना है। परंतु यह है नई दुनिया के लिए। भक्ति मार्ग का खाता है बेहद घाटे का। तुम बेहद का वर्षा पाते हो, ज्ञान मार्ग में बेहद की सुख शांति पाते हो। तब आगते ये बेहद की बातें बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, और बेहद का सुख पाने वाले बच्चे ही यह सब समझ सकते हैं। बाप के पास कोटों में कोई आते हैं, चलते चलते कमाई में घाटा पड़ता है तो जमा किया हुआ वो भी ना के बराबर हो जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं तो इस मुरली में जादुई खुदाई है। यह ज्ञान भी तुमको अभी है, देवताओं में यह ज्ञान नहीं था। जब उनमें ही ज्ञान नहीं था तो पिछाड़ी वाले मनुष्य कैसे बता सकते हैं ये ज्ञान? नहीं बता सकते। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर स्वयं को बक्तावर तकदीरवान बनाना है। बक्तावर माना तकदीरवान, देवता बनने के लिए पक्का ब्राह्मण बनना है। दही बाप को याद करने के लिए दही अभिमानी बनना है। देह को भी भूलने का अभ्यास करना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ देहवान से न्यारे रहने वाले योगयुक्त भव। योगयुक्त रहने की सरल विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलना।
इस रथ को चलाने वाली हम आत्मा सारथी है। यह स्मृति स्वतः ही इस रथ अथवा देह से व किसी भी प्रकार के देहभान से न्यारा बना देती है। देहभान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते हैं और हर कर्म में भी युक्त युक्त होता है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्म इंद्रिया अपने कंट्रोल में रहती है, वो किसी भी कर्म इंद्रिय के वश नहीं हो सकते। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, विजयी आत्मा बनना है तो अटेंशन और अभ्यास इसे निजी संस्कार बना लो। तो आज की मुरली के अनुसार हम सौ मान लेंगे, मैं योग युक्त आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर शिव बाबा की याद में रहना कि बाबा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन, मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन